लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को मात देकर आईपीएल में अपनी पहली जीत दर्ज की। टॉस गंवाने के बाद चेन्नई ने बल्लेबाजी करते हुए 210 रनों का बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की धमाकेदार बल्लेबाजी के सामने ये भी बौना साबित हुआ। लखनऊ ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी पहली जीत को यादगार बना दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी दो ओवर में 34 रनों की ज़रूरत थी। 19वां ओवर डालने आए शिवम दुबे की गलती चेन्नई को भारी पड़ गई। शिवम दुबे ने इस ओवर में 25 रन लुटाए, जिसके बाद चेन्नई की वापसी मुश्किल हो गई। आखिरी ओवर में लखनऊ को सिर्फ 9 रनों की ज़रूरत थी और टीम ने 3 गेंद शेष रहते ही 6 विकेट से मैच जीत लिया। चेन्नई से मिले पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स को ज़बरदस्त शुरुआत मिली। क्विंटन डीकॉक ने 61 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान केएल राहुल ने 40 रन बनाए। आखिर में सिर्फ 23 बॉल में 55 रन बनाकर इवेन लुइस ने चेन्नई सुपर किंग्स से मैच छीन लिया। मौजूदा आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की इस सीज़न में बेहद ख़राब शुरुआत रही है। सीएसके अपने दोनों शुरुआती मैच हार चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स को भी आईपीएल 2022 में अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम ने अपने दूसरे मैच में धमाकेदार जीत के साथ शानदार वापसी की।